राखी लाइफ कितनी बोरिंग है ना. हाँ यार, मुझे तो सुबह सुबह उठते ही नींद आ जाती है. सैया मान दिल की बात जीरा दक 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 बोले. गुड मॉर्निंग गर्ल्स. क्या बात है, आज सुबह सुबह तुम लोग बहुत ही शाम शाम जैसे लग रहे. ये कितना सुखी आदमी है, लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है इसे. घर बैठे बैठे रेंट जो मिल जाता है इसे. कोई एम्बिशन हो लाइफ में तब ना. आई बेग योर पार्डन. और एक बात बताओ, ये आज तुम लोग मेरे खुशी से इतना जल क्यों रही हो. यार अमित, साल भर होने को आया है, मैं हीरोइन बनने आई थी, छोटा सा रोल भी नहीं मिला अभी तक. हाँ यार, और जब मैं यहाँ आई थी ना, मैंने सोचा था मैं एक बहुत अच्छी सी कंपनी में काम करूंगी. अच्छी तो छोड़ो, मुझे बुरी कंपनी में भी काम नहीं मिला. Yes, तुमको मालूम है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार, तुम लोग पॉजिटिव नहीं हो. क्या बात कर रहा है, तू पॉजिटिव नहीं है, मैं तो ए पॉजिटिव हूँ. ए यार अमित प्लीज यार, सुबह सुबह लेक्चर मत झाड़ समझे ना. अरे यार मैं लेक्चर नहीं झाड़ रहा हूँ, मैं तुम दोनों को एडवाइस दे रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ इसलिए. अगर रोल या नौकरी नहीं मिली तो कुछ और करो, जिंदगी में एक ही चीज थोड़ी होती है. अब देखो, हर इंसान के अंदर ना कोई टैलेंट छुपा होता है, उस टैलेंट को पहचानना पड़ता है, अपने अंदर झांको. और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कहो, मैं तुम दोनों के अंदर झांकने के लिए तैयार हूँ. कपूर अब मजाक के मूड में नहीं है. सॉरी सॉरी सॉरी. वैसे एक आइडिया है मेरे पास, हम तीन मिलकर कोई अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं. क्या है ना, तो मैं तुम दोनों का स्लीपिंग पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ. हमें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है. देखिए कुछ ऐसे बिजनेसेस भी होते हैं जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट लगता है. कपूर क्या ज़बान संभाल के बात कर, हम लोग कोई ऐसी वैसी लड़कियां नहीं है. माय गॉड, इस लड़की का कोई फ्यूचर हो ही नहीं सकता. अरे मेरी माँ, जीरो इन्वेस्टमेंट वाले कुछ और धंधे भी होते हैं. जैसे? देख जैसे 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 ब्यूटी पार्लर. कोई भी कहीं भी शुरू कर सकता है. और देखो, तुम दोनों होंगी मेन सेक्शन के इंचार्ज और मैं होऊंगा वुमन सेक्शन का इंचार्ज. सुबह सुबह पेड़े खा रहे. अरे किसी ने खिला दिया तो मैं क्या करूँ. वो नीचे वाले शर्मा जी है ना, उनके लड़की ने बिल्डिंग में ब्यूटी पार्लर खोला है, इसलिए पेड़े बांट रहे हैं. चोर, हमारा आइडिया चुरा लिया उसने. तुम लोग भी पेड़े बांटने वाले थे? नहीं डसर, हम लोग पेड़े नहीं ब्यूटी बांटने वाले थे, लेकिन हमारा आइडिया फ्लॉप हो गया, हमारा बिजनेस क्रैश हो गया. अब हमें कुछ और ही करना पड़ेगा. कुनाल, तू कोई अच्छा बिजनेस का आइडिया देना. इससे क्या आइडिया लेगी, ये तो सिर्फ खाने पीने के आइडिया देगा. खाना पीना? खाना पीना दैट्स इट. अरे हम लोग एक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं. परफेक्ट. क्या बात है ना, आज हमारा घर कितना हरा भरा लग रहा है. I don't believe it, Amit. कल तक ये हमारा सपना था और आज पूरा भी हो गया. देखो, हमारे पहले कस्टमर्स भी आ गए. यहाँ बैठ के देख कितने क्यूटली हाथों में हाथ. और जाके कॉर्नर की टेबल से लेके ठीक बढ़िया तेरी तरफ. एक्सक्यूज मी. अरे नहीं, मैं ये सोच रहा था कि ये हमारे पहले कस्टमर है और अगर होटल के वेटर्स इनका ऑर्डर ना लेकर होटल का मालिक इनका ऑर्डर ले ले तो बात ही कुछ और होगी. नहीं होटल का मालिक कैसा? हाँ, एक अमित स्पेशल बर्गर और दो कॉफी. देख देख देख, हमारा पहला ऑर्डर आ रहा है. अमित आ रहा है. अमित क्या ऑर्डर किया? द वेरी ऑब्वियस अमित स्पेशल बर्गर और साथ में दो कॉफी. जाओ और लेकर आओ. बस Niki, come on, smile. Service industry की सबसे important चीज होती है smile. चल जा. देख कौन आ गया. इनी मिनी मिकी मो 80-90 पूरे 100. कमाल की बात तो ये है कुणाल कि जब भी घर में कुछ अच्छा, कुछ शुभ, कुछ नया हो रहा होता है ना, इन जैसे लोगों को पहले से खबर पड़ जाती है. मैं जब भागा के आता हूँ. पागल हो गया क्या? क्या हुआ? ये इकबाल है. झूठ क्यों बोलता है, इसके सर पे तो बहुत सारे बाल है. आप ये इकबाल मशहूर है, बम्बई का फेमस फूड क्रिटिक. न्यूज पेपर में ये खाने पीने के बारे में लिखता है, मैंने इसकी फोटो पेपर में देखी है. क्या बात करता है ये. अगर ये खुश हो गया ना तो अपना रेस्टोरेंट सुपर हिट.
देख कैसे देखकर मार्क्स दे रहा है। Lovely, twinny, winny was 8 out of 10. निकी राखी, निकी। वाह, अमित स्पेशल बर्गर। एक काम कर, उनका खाना तुम तक पहुंचा, मैं इसे संभाल करता हूँ। चलो, चलो, चलो। गुड इवनिंग सर। आउच, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कस्टमर का वेलकम हमेशा सॉफ्ट पॉच में किया जाता है, यानी तुम्हें मिले 2/10। सर 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 सर, इसको 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 पूछ दीजिए आप। देखिए, आप ये समझिए कि मैं यहाँ आया ही नहीं था, मैं दोबारा आता हूँ। 1-2। गुड इवनिंग सर। That's better. Can I have the menu card? Of course. सर ये रहा हमारा स्पेशल मेन्यू कार्ड। वेल, आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर आपकी शक्ल सूरत देख के तो मैं सिर्फ यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको हमारी हाउस स्पेशलिटी खाना चाहिए, यानी कि अमित स्पेशल बर्गर। प्लीज एक लेके। ऑफ कोर्स, अभी अभी। सब ठीक है? अरे परफेक्ट, कुडन बी बेटर। इसने क्या ऑर्डर किया? अगेन द वेरी ऑब्वियस, अमित स्पेशल बर्गर। जाओ लेकर आओ। अमित, एक प्रॉब्लम है। क्या? बन खत्म हो गया। क्या बात कर रहे हो, मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। अमित, एक ही तो बन था, हम लोगों ने उनको दे दिया। अरे बाप रे, अब क्या करें? ए, मैं दुकान से लेके आऊं? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? आधे घंटे तेरा इंतजार थोड़ी करेगा, मुझे 0/10 देके चला जाएगा। अमित, तैयार क्या है? चीज रोटी। चीज रोटी, ठीक है, मैं देखता हूँ। एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी सर, क्या है कि हमारे किचन के विंडो में से हमारे शेफ ने आपको देख लिया है और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि आपको हमारी सेकंड हाउस स्पेशलिटी दी जाएगी, अलाकार्ट गलाकार्ट डोटी ला रोटी, चीज रोटी। हाँ। नहीं, मुझे बर्गर ही ला। सर आप समझने की कोशिश कीजिए, जो चीज रोटी है अगर आप एक बार खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। कस्टमर से बेस करना माने तुम्हें मिलेंगे 1/10। नहीं 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 नहीं, आपको हम बर्गर ही खिलाएंगे। मैं अभी आया। हेलो, क्या बात है, आप लोगों ने अभी तक अपना बर्गर नहीं खाया? गरम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठंडा करके लाऊं। एक्सक्यूज मी सर, थैंक्स टू यू टू, और ये रहा आपका अमित स्पेशल बर्गर, खाइए। थैंक यू। खाइए खाइए सर, स्पेशली आपके लिए बनाया है। थैंक यू। क्या हुआ सर, आपको बर्गर पसंद नहीं आया? नहीं, बस वो क्या है, पेट भर गया। नहीं नहीं, देखिए इतनी जल्दी अगर आपका पेट, ओह माय गॉड, क्या हुआ? पता नहीं, मुझे पता है, अभी इस रेस्टोरेंट की बुराई छपेगी न्यूज़पेपर्स में। पहले से ही बोल रही थी कि हमें ब्यूटी पार्लर ही खोलना चाहिए था। वेटर। यस सर। वो बर्गर कहाँ गया? कौन सा बर्गर? वो बर्गर, जल्दी लाओ। सर ये आपका बर्गर सर। ये क्या है? ये बर्गर है सर। ये बर्गर है? हाँ हाँ, ये वो अमित का वो स्पेशल वो बर्गर है। कहाँ? सर मैं इस जगह खाना नहीं खाता। नहीं नहीं सर, मेरी बात सुनिए। अब छोड़ो, रास्ता छोड़ो। सर ये बर्गर का बहुत अच्छा है, स्वाद बहुत अच्छा है। क्या हो गया? अरे वो ना क्या था, बिना पैसे दे के चला गया, कॉफी के पैसे भी डूब गए। ओके 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 अमित, स्माइल स्माइल। होटल इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्माइल। राखी प्लीज यार, ये आवाज बंद करने का क्या लेगी तू? मुझे क्यों बोल रहा है, टाइपराइटर को क्यों नहीं बोलता? राखी यार, तू इस पे गुस्सा क्यों उतार रहा है?
कल सुबह की शॉपिंग लिस्ट ही तैयार कर रही है ना। कोई फायदा नहीं। अरे रिलैक्स यार अमित, आज तो अपना पहला ही दिन था और शायद आखिरी भी। राखी, देखिए राखी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे कल परसों तक हर अखबार में हमारी बुराई छपने वाली है, उसके बाद यहाँ खाना खाने कौन आएगा? तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे यहीं पर दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा उसे बर्गर क्यों नहीं पसंद आया। अरे इन लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अगर हमने उसे कोई गिफ्ट या कुछ पैसे दे दिए होते ना तो कल हर न्यूज़पेपर में हमारे रेस्टोरेंट की अच्छाई छपती, बुराई नहीं। इससे पहले कि वो हमारी बुराई छापे, मैं कुछ बुरा बुरा लिख के उसे ही भेज दूंगा। मतलब उससे क्या होगा अमित? उससे कम से कम इसका गुस्सा तो कम हो जाएगा। चल राखी तू टाइप कर। नहीं निकी, तू ही टाइप कर, मैं गालियां नहीं टाइप कर सकती। ठीक है तू टाइप कर। मेरे प्रिय इकबाल मसूर। प्रिय इकबाल मसूद, ऐसा लिखा जाता है गालियों का लेटर? मैं लिखता हूँ। चल निक्की, चल निक्की टाइप कर। ले अबे लीचर, खुद को क्या समझता है? समझती है लिख, समझती है। ओए कान बंद करके क्या बैठी है, टाइप करना। मारूंगा तेरे कान के नीचे, तेरे जैसे आदमी को जहन्नुम में होना चाहिए। कॉमा, तेरी जात का बैदा मारो, घड़ियाल, फुल स्टॉप। लवली, भगवान करे तेरे चड्डी में कीड़े पड़े। कॉमा, और तू जहां जहां बैठे वहां वहां तुझे वो काटे। फुल स्टॉप। तुम्हारा दुश्मन अमित कपूर। हाँ जी है, एक मिनट। अमित, तेरा फोन है। अरे यार ये सुबह सुबह कौन मत। हेलो, सो रहे थे क्या? नहीं जाग रहा था, आप कौन बोल रहे? मसूर, इकबाल मसूर। इकबाल मसूर साहब आप? ए, कहाँ है वो पागल गधा? चुप। जी नहीं सर, आपको नहीं बोला था, वो मैं अपने होटल के एक वेटर को डांट रहा था। कल मैं जल्दी निकल गया ना, इसलिए तुमसे बात ना कर सका। लेकिन मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि मुझे तुम्हारा रेस्टोरेंट, तुम्हारा चबी वेटर और तुम सब कुछ बहुत ही लवली लगा। क्या बात करें सर, आपको सब कुछ इतना पसंद आया? हाँ तुम्हारी कसम, फिल्म नहीं करते तो इस संडे का अखबार पढ़ लेना। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। अरे और हाँ, आज शाम को मेरे लिए टेबल रिजर्व रख सकते हो क्या? अरे एक टेबल क्या, मैं आपके लिए आपका होटल रिजर्व करा लूंगा। ओके मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ठीक 7 बजे पहुंच जाऊंगा। बॉयफ्रेंड? ओके सर बाय। ओके इकबाल मसूर का फोन आया था, उसको अपना सब कुछ बहुत अच्छा लगा। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, देख ले ये खबर छपवा दी अखबार में। ओए सुबह सुबह कहाँ गई थी? तुम्हारा लेटर करियर करने। ओके कौन सा लेटर? वही मसूर की दाल वाला लेटर। तूने वो लेटर कुरियर कर दिया? हाँ। अमित अब क्या होगा? मैंने तुम दोनों से कहा था जल्दबाजी अच्छी नहीं। अरे हम मर गए। अरे मेरी माँ, तूने उस लेटर को कौन से कुरियर कंपनी को दिया है? फास्ट कुरियर, ये लो रसीद। अरे बाप रे, तुझे पूरे बम्बई शहर में खाली यही कुरियर मिला था क्या? एक और था सुपर फास्ट कुरियर, मगर उसका रेट बहुत ज्यादा था। माय गॉड, अब क्या करें? एक काम करते हैं, उस कुरियर वाले को फोन करते हैं। ओके ओके फोन। ओके हेलो फास्ट कुरियर कंपनी, देखिए मैं वो बोल रहा हूँ। जी हाँ भाई भाई, वो सुबह को आपके पास नीले कपड़े पहन के जो औरत आई थी ना, जी हाँ भाई पागल टाइप, हाँ उसने आपको एक हरे रंग का एनवेलप दिया था, हमें उसे नहीं भेजना है। नहीं नहीं लड़की को नहीं भेजना है, हमें वो खत नहीं भेजना है। क्या आपने भिजवा दिया? कहाँ तक मिल जाएगा? देखिए आपने मर गए। अरे यार वो कल मुआ अभी तक आया क्यों नहीं? तुम उसे मेरा खत मिल तो नहीं गया? मालूम नहीं, मैंने उसके ऑफिस में फोन किया था, वो वहां से निकल चुका है। क्या बात कर रहा है, पहुंच गया। मतलब उसे हमारा खत नहीं मिला। एक काम कर तू अंदर जा, निक्की राखी को बोल खाना जल्दी दे इन लोगों को, भूखे मर जाएंगे। जा। हाँ, हाँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अमित। नमस्ते भाभी जी, कैसे हैं आप? आपका बॉयफ्रेंड नहीं आया सर? अमित, मीट माय फ्रेंड बॉबी। हाय अमित। हाय।
आइए ना आइए, मैंने आपका फेवरेट कॉर्नर टेबल रिजर्व करके रखा है, आइए बैठिए बैठिए। लेडीज फर्स्ट। ओह सो स्वीट। बैठिए। वाह 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 वाह, क्या जोड़ी है, भगवान करे कि आपकी जोड़ी सदा सलामत रहे। भाई साहब, आप मेरा मतलब आप क्या लेंगे? नहीं, हम लोग थोड़ी देर के बाद ऑर्डर करते हैं। अच्छा। वो क्या ऑफिस से इतनी जल्दी में निकला ना, वो लेटर ही खोला नहीं। अच्छा। देख लो, मर गए। क्या बोला आपने? अब मेरा मतलब है कि वो किचन में जो चिकन है ना, वो मर गए, बस बनाना बाकी रह गया है। कितनी जोर से चिपका के भेज देते हैं ये लोग। ला मुझे दो। वाह, क्या खोला है। लाइए, बाकी सब कुछ मैं खोल देता हूँ। मेरा मतलब है ये जो लेटर्स है, मैं किचन में ले जाता हूँ, खोल के रखता हूँ। एक मिनट, जब तक बॉबी यहाँ है मुझे कोई डर नहीं, मैं आपको बुलाऊंगा। ओके सर। मर गए। वो जो खत है ना, वो अपने साथ लेके आए, उसके टेबल पे पड़ी है, लेकिन अभी तक उसने खोली नहीं है। अब क्या होगा? अबे होगा क्या, कहीं उसने पढ़ लिया तो हम लोग सब बर्बाद हो जाएंगे। किसी भी कीमत पर उसे वो खत नहीं पढ़ना चाहिए। मैं जाके लेके आता हूँ। हाँ, ये सब करने का कोई फायदा नहीं। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? आई हैव टू गेट दैट लेटर एनी हाउ। आइडिया। रबिश, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से रेस्टोरेंट चालू कर देते हैं और मुझे इनविटेशन भेजते रहते हैं। तुम इतने फेमस जो हो। अरे मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। एक दिन मैं तुम्हें अपने हाथ का खाना पका कर खिलाऊंगा। जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है मुझे कोई डर नहीं। भगवान हम दोनों को कभी जुदा ना करें। अरे मैं हाथ छोड़ूंगा तो जुदा करेंगे ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ऑर्डर लेने आ रहा था। बेशरम। मैं समझाती हूँ। वो क्या है कि अमित ने आपको एक चिट्ठी लिखी थी और वो चिट्ठी उसने आपको पोस्ट कर दी थी और वो चाहता था कि वो चिट्ठी आप नहीं पढ़े, इसलिए वो ये चिट्ठी यहाँ लेने आया था। नहीं, नहीं, अरे लेकिन उसमें ऐसा क्या लिखा था कि आप लोग चाहते थे कि मैं वो न पढूं? सब कुछ। सॉरी 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 सॉरी, इससे पहले कि आप वो खत पढ़े मैं पहले से आई एम सॉरी। अमित, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अरे चुप रहे, तू कुछ नहीं समझती। सर सर सर, इसमें जो कुछ लिखा है झूठ लिखा है, गलत लिखा है, आई एम झूठा। मेरे प्यारे मसूर साहब, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा रेस्टोरेंट पसंद आया होगा और आप यहाँ दोबारा आएंगे। ये हमारी तकदीर थी जो आपके कदम हमारे यहाँ पड़े। आपका अमित कपूर। आप तो कह रहे थे इसमें जो लिखा है सब झूठ है। नहीं नहीं, ये मैंने तो कब कहा, मैंने तो ये कहा कि आई एम झूठा, मैं झूठा हूँ। अमित को डर था कि आप उसे कहीं चापलूस ना समझ बैठे। हाँ सर, इस बेचारे बच्चे को बहुत डर लग रहा था। अच्छा अच्छा, इसलिए तुम ये लेटर लेने आ रहे थे। अरे ऐसा लेटर तो मुझे कभी बॉबी ने भी नहीं लिखा है। अरे बॉबी, अरे बॉबी, मेरी बात तो सुनो बॉबी। अरे सर, अपना खाना तो खाके जाइए। मैं तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और रही बात तुम्हारे होटल की, तो रविवार को पेपर में छप जा रहे उसके पहले ही ये होटल बंद करवा देना। भाई भाई, थक तेरे की, क्या कमाल का आदमी है ये निकी। इधर आ, इधर 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 आया। हम लोगों को इतनी देर तक आग पर क्यों रखा? पहले क्यों नहीं बताया कि तूने हाथ चेंज कर दिया था? मैं अपनी तारीफ खुद कैसे करती? ओहो।